हेलो एंड वेलकम बैक टू द एक्यूरेट वर्ल्ड। तो दोस्तों यार जो आज की वीडियो है ये आप ही के रिक्वेस्ट पे आई है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी मुझसे इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब पे कि अपने सारे एक्यूरियम की एक टूर वीडियो बनाओ, सब कुछ बताओ उस पर कि आपके पास कितने एक्यूरियम्स हैं, कौन कौन से एक्यूरियम्स हैं, कौन सा एक्यूरियम है और कौन सा कितना बड़ा एक्यूरियम है, कौन से एक्यूरियम में आपने कितनी फिशेज रखी हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो मैंने सोचा कि एक सारी क्वेश्चन को लेकर एक सिंगल वीडियो बना दी जाए और उसका नाम रख दीजिए ऑल माई एक्यूरियम्स माई एक्यूरियम रूम टू। तो कोई रूम तो अभी है नहीं पर्टिकुलर कि एक ही रूम में मेरे सारे एक्यूरियम्स रखे हो तो उसको एक्यूरियम गैलरी तो बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ अलग अलग रूम में अलग अलग क्वांटिटी के एक्यूरियम्स रखे हुए हैं, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में सात, किसी में छः, तो इस तरीके से रखे हुए हैं। तो सबको ही इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हो। इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा एक्यूरियम मेरा कितना बड़ा है, कौन से एक्यूरियम में कितनी फिशेज़ हैं, उनका एक क्लोज लुक दूंगा सारी फिशेज का और उन फिशेज़ के बारे में बताऊंगा कि इनके साथ क्या हुआ, एक छोटा सा अपडेट रहेगा उस एक्यूरियम के ऊपर और आगे क्या वीडियोज़ आने वाली हों हर एक एक्यूरियम से रिलेटेड, तो वो सब कुछ बताऊंगा इस वाली वीडियो में। और कौन सा फिल्ट्रेशन यूज़ करता हूं मैं तो वो भी बताने वाले हैं। तो और आप अगर ऐसा एक्यूरियम रखना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, तो ये सब होने वाला है इस वीडियो में। और जो एक्यूरियम गैलरी है, जैसा कि मैंने बोला कि एक रूम तो है नहीं, हाँ लेकिन एक रूम बन रहा है ऑलरेडी, मैंने आपको उसका अपडेट दे चुका हूँ, तो उसका एक और अपडेट इसी वीडियो में है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना सच में फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और इसी वीडियो में मैं बिफोर और आफ्टर भी डालूंगा हर एक एक्यूरियम का, जिसका पॉसिबल हो पाएगा, जिसकी मेरे पास प्रीवियस की क्लिप होगी तो उसका बिफोर और एक आफ्टर का डाल देंगे कि पहले कैसा था और अभी प्रेजेंट में कैसा है। और मैं आपको इस वाली वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि मेरे पास टोटल कितने एक्यूरियम है हर एक एक्यूरियम के ऊपर। जैसे ही मैं एक्यूरियम आपको दिखाऊंगा वहाँ पे #1 #2 #3 करके ऐसा पूरा आएगा, पॉइंट वगैरह का भी अपडेट है इसी वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले एक्यूरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको एक्यूरेट वर्ल्ड के थ्रू मिले। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट कर मेन वीडियो जो एक्यूरियम टूर है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम OMD प्लस है। ये एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप है, इससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं और उसके बाद अपनी मेन वीडियो स्टार्ट करेंगे। OMD एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप है जिसमें आप वर्चुअली प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेस करके उसके कमीशन के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। और इसको रजिस्टर करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर आके क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, इसमें स्टार्ट मनी पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपके पास ये पूरा आएगा, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर लीजिए। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही आप पूरा लॉगिन वगैरह सब कुछ कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे अपने आपको, आपको 200 रुपीज एडवांस मिल जाएंगे, आप इसको यूज कर सकते हैं आगे अपने ऑर्डर वगैरह प्लेस करने पे। और आप पहले सबसे पहले Level 0 पे होंगे, Level 0 पे कमीशन ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी आपके वैसे वैसे कमीशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि अगर मैंने गेट ऑर्डर पे क्लिक किया तो जो मेरा रिटर्न है वो मुझे 1 रुपए मिलेगा यहाँ पे, और जो उसका कमीशन है वो 0.5% है प्रोडक्ट के प्राइस के, और प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 200 है, तो रेवेन्यू होगा यहाँ से जनरेट वो 1 रुपी होगा। हम ऑर्डर कर दिया है और जैसे कि देख सकते हैं ये Level 5 पे, और आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल असेट्स जो है ये 1,24,150 है, और ये स्टडीज इनकम है 26,000। जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ेगी, जैसे ये Level 5 का चल रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से अर्निंग हो रही है सब कुछ। तो इसमें भी आप ऑर्डर खोलना होगा और उसको गेट ऑर्डर पर क्लिक करना होगा, और गेट ऑर्डर पर क्लिक करने आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग है 5% ऑफ कमीशन है, तो 500 रुपए हो गए, 10,000 का 5% 500 रुपए होता है, तो उतना मिलेगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट होगा ऑर्डर, जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है वैसे ही 500 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे अपने अकाउंट पे। और ये यहाँ से टीम आप बिल्ड कर सकते हैं, जितने ज्यादा चेन होगी टीम की आपके आगे उतने ज्यादा आप उन सबसे कमीशन ले पाएंगे, हर एक बंदे से आपको कमीशन मिलेगा। और इसमें दो चीजें और होती हैं, रिचार्ज और विदड्रॉल। रिचार्ज से आप और मनी रिचार्ज करके और ज्यादा कमीशन ले सकते हैं बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस करके, और विदड्रॉल से जितने आपकी इनकम होगी, मिनिमम 500 इनकम होनी चाहिए विदड्रॉल करने के लिए, तो वहां से आप डायरेक्ट विदड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आप रिचार्ज अपनी रिस्क पे ही करिए, क्योंकि ये ऐप जो है भी नया है और अभी गूगल प्ले स्टोर पे भी नहीं है, तो रिचार्ज अपनी रिस्क पे ही करिएगा। तो यही था, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो जो की है ऑल माय एक्यूरियम। हेलो दोस्तों, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रांची गोल्ड फिश का टैंक रखा हुआ है जो कि मैंने सेटअप करके आपको पूरा दिखाया था, इसका जो टॉप फिल्टर था वो भी बना के दिखाया था, इसको एक्यूरियम को भी बनाते हुए दिखाया था, ये बॉर्डरिंग वगैरह करके भी सब दिखाई थी, और इनकी फिर जो वीडियो आई थी इनबॉक्सिंग की सारी फिशेज की वो भी मैंने आपको दिखाई थी, इनको ग्रूमिंग के लिए कौन सा फूड बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो उन सबकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, तो जाके आप देख सकते हैं। और इस वाली वीडियो में इसको आपको क्लोज लुक दूंगा अभी थोड़ी देर में, और सब कुछ बताऊंगा कि इनके साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, तो वो सब कुछ रहने वाला है वीडियो में। और उसके बाद चलेंगे अपने दूसरे रूम में जहाँ पे मेरे 6 से 7 टैंक रखे हुए हैं, उसके बाद एक और रूम में जाएंगे जहाँ पे मेरे 2 टैंक है मेन, उसके बाद एक और रूम में जहाँ पे मेरा एक और टैंक है 3 फिट का, एक और रूम में जहाँ पे मेरा एक और प्लांट टैंक है, उसके बाद एक और रूम में जाएंगे जहाँ पे एक और टैंक है, और एक रूम में जाएंगे जहाँ पे मेरा पॉन्ड रखा हुआ है। तो सारे ही एक्वेरियम के जो रूम है मेरे जितने भी अभी तक, उसकी पूरी टूर होने वाली है इस वाली वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अभी आपको देते हैं इसका पूरा क्लोज लुक और एंजॉय करिए वाली वीडियो। तो ये रहा सबसे पहले टैंक अपना जो कि है गोल्डन फिशेस का, फैंसी गोल्ड फिशेस जिसमें रांचूज हैं, 2 बफेलो हेड, 2 लायन हेड,
और इसमें जो फिल्ट्रेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये टॉप फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखाया था चैनल पे, अगर आपको देखने वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। ये जो ऑक्सीजन के लिए अलग से मैंने होल्स बनाए थे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और ये जो टैंक है, इसका साइज़ है 3 फिट बाय 1.5 फिट बाय 1.5 फिट, तो इतना बड़ा ये टैंक है। पीछे मैंने बैकग्राउंड इसका ब्लैक किया था, उसकी भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसकी पूरी प्लम्बिंग की वीडियो आ चुकी है, इसकी जो सैंडली है उसकी भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है चैनल पर, तो वो सब कुछ देखने के लिए आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है अपलोडेड। और ये जब मैं इनको लाया था, इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह, इनको क्वारंटीन वगैरह करने का, और ये टैंक पूरा सेटअप करना है और उसको स्टार्ट करना, इसको साइकिलिंग करना, सबकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो जाके आप देख सकते हैं चैनल पर। और अभी इसमें कुछ इशू हुआ था एक गोल्ड फिश के साथ, एक बफेलो हेड लायन हेड के साथ कुछ इशू हुआ था, तो उसको मैंने इशू को रिजॉल्व कर लिया है, कुछ उसका ट्रीटमेंट वगैरह दिए थे जो मेडिसिन आई थी उसके थ्रू, तो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से वर्क किया है वो, तो उसकी एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ मैं, उसके एक रिव्यू की, तो उसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब इन्जॉय करिए मेरी गोल्ड फिशेज को। चलिए चलते हैं दूसरे रूम में जहाँ पे और टैंक्स रखे हुए हैं अपने। तो हम आ चुके हैं दूसरे रूम में, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये रहे मेरे सारे टैंक्स, पीछे देख सकते हैं ये प्लांटेड टैंक, एक साइड प्लांटेड टैंक है, एक बीच में बाउल है प्लांटेड, एक वाले में थोड़े मॉन्स्टर्स वगैरह हैं, और नीचे जो है हॉस्पिटल टैंक है, और वो जो बकेट रखी हुई है साइड में उसमें मेरा क्रैब है, क्रेफिश है, और ये कुछ मेडिसिन वगैरह रखे हैं, वो घर वाले उसको क्रैब बोलते हैं, तो मैं भी उसको क्रैब बोलने लगा हूँ, क्रेफिश है वो। और ये आप वॉल देख सकते हैं पीछे पूरी, ये लाइटिंग वगैरह ये पूरी मैंने बनाई है अपने हाथों से, पूरे ये 3D ब्लॉक्स हैं वुड के, तो आप देख सकते हैं ये पीछे एक प्लांटेड ये हो गया, ये आपको 100 रुपीज़ 100 बना के दिखाया था जो कि मैंने, और एक 100 रुपीज़ 100 ये बॉल बना के दिखाया था पूरा, और फिर ये भी नैनो सेटअप करके दिखाया था पूरा, जिसमें मेरी जो ज़ेब्रा डायनोज हैं, कुछ रेड आई टेट्रा है, और एक इसमें बीटा फिश भी एड करी हुई है, तो उस बीटा फिश की अनबॉक्सिंग और उसकी एडिंग की वीडियो भी बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली चैनल की है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अभी रिसेंटली बनाई थी मैंने, ये उसमें जो भी मैंने नाइफ और जो स्नीकर्स वगैरह डाली हैं उसकी डालने की, और बताया था कि इसको ग्रो करके पॉन्ड में ऐड करना है सारे मॉन्स्टर्स को, और नीचे मैंगो वॉश करके ट्रीटमेंट चल रहा है, इसकी आई में फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है आप देख सकते हैं, तो इसका भी जल्दी वीडियो आएगी, और कुछ मेडिसिन वगैरह रखी हुई यहाँ पे, फर्टिलाइजर्स वगैरह रखे हैं, तो इनकी भी रिव्यू की वीडियो आनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मिस्ट्री बॉक्स डिलीवर हुआ था अपने पास, तो उसकी एक रिव्यू वीडियो बनानी थी मुझे यूज़ करने का, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ टाइम से, और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, मैं आपको रिव्यू में पूरा अच्छे से बताऊंगा सब कुछ, कुछ फिशेस का मैंने ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ इन दवाइयों से, तो उस वाली वीडियो में रहेगा सब कुछ मैं बताऊंगा। तो यही है यहाँ पर टोटल देख सकते हैं आप, एक ये वाला हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5, और अगर क्रेफिश का भी गिना है तो 6, तो टोटल 6 है यहाँ पे, और वहाँ पे अभी जो दिन देखे हैं वो गोल्ड फिश वाला वो है, और अभी जाएंगे तो वहाँ पे 2 हैं, एक और रूम में वहाँ पे 1 है, एक और रूम में 1 है, और एक और रूम में 1 है, तो टोटल एंड में बता देंगे कितने टैंक हैं, और साथ ही साथ इसी हर एक टैंक पे जब उसका क्लोज व्यू देंगे तो #1, #2, #3 करके भी लिखते जाएंगे। तो चलिए चलते देते हैं सब टैंक का क्लोज व्यू आपको, और सब कुछ बताते हैं इन पे आगे आने वाली वीडियोज़,
इनके साथ क्या हुआ, इनका छोटा सा अपडेट तो होने वाली है, थोड़ी लंबी होने वाली है वीडियो, लेकिन देखना एंड तक जरूर, मजा आएगा आपको। चलिए दिखाते हैं इनका क्लोज व्यू। ये दोनों जो टैंक्स देख रहे हैं, एक बाउल और ये दोनों, मैंने आपको अंडर रुपीज़ 100 बना के दिखाए थे और मैंने आपको बताया था कैसे आप सारी चीज़ें फ्री में ले सकते हैं, सिर्फ आपके प्लांट की कॉस्टिंग लगेगी, तो उसकी भी अलग से वीडियो है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और अभी चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड टैंक की ओर। तो ये रहा सेकंड टैंक और ये पहले कुछ ऐसा था जब मैंने इसमें फिशेज ऐड करी थी। अभी इसकी फिश एडिंग की वीडियो नहीं आई है चैनल पर, वो भी आने वाली है बहुत ज़्यादा जल्दी, तो आप उसको देखने के लिए आपको पता है क्या करना है। और इसको अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है वो ये है, जितने भी पेड़ को मेल्ट वगैरह होना था वो हो चुके थे, अब लेकिन जो भी इसमें जो प्लांट्स आए हैं वो एकदम अच्छे हेल्दी हैं और अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से एक दो मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो हो जाएंगे सारे प्लांट्स। और आप देख सकते हैं इसमें नियोन टेट्रास, मूलीज और एलिगेटर है, तो इस पर भी कुछ आगे वीडियोज़ आने वाली हैं, जैसे कि मैंने भी बताया एडिंग फिशेज, और अगर ज़्यादा ग्रोथ होती है तो उसकी ट्रिमिंग वगैरह की वीडियो लाऊंगा। फिल्टर, इसमें मैं टॉप फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो टैंक साइज़ है वो 1 फिट बाय 1 फिट बाय 1 फिट है, 1 फिट क्यूब है, अंडर रुपीज़ 100 जो मैंने बनाया था। ये बाउल है जो कि मैंने अंडर रुपीज़ 100 बना के दिखाया था आपको, प्लांटेड बाउल अंडर रुपीज़ 100। तो ये है, अभी इसमें कोई फिशेस वगैरह ऐड नहीं करी है मैंने, इसमें भी फिश ऐड करने की बहुत ज़्यादा जल्दी आएगी वीडियो, तो उसके लिए वेट करिए और स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं टैंक नंबर 4 की तरफ। 3 टैंक ऑलरेडी दिखा दिए हैं, ये मेरा टैंक नंबर 4, ये पहले कुछ इस तरीके का था जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है, इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो गई है प्लांट्स की, इसको मुझे ट्रिम करना है, तो ट्रिमिंग वगैरह की वीडियो आएगी चैनल पे बहुत ज़्यादा जल्दी। और इसमें मैंने कुछ फिशेज भी ऐड करी थी, इसमें देख सकते हैं आप ज़ेब्रा डाइनोज हैं, रेड आई टेट्रा है, और इसमें बेटा फिश भी है, तो बेटा फिश की ऐड करने की वीडियो आनी है बहुत ज़्यादा जल्दी चैनल पर, तो उसके देखने के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना, उसकी ट्रिमिंग वगैरह की भी वीडियो आएगी। आप देख सकते हैं कि प्लांट वगैरह सब हेल्दी हैं, फिशेज वगैरह सब हेल्दी हैं इसमें। और इस टैंक का साइज़ 1 फिट बाय 1.5 फिट बाय 1 फिट है, 1 फिट लेंथ, 1.5 फिट हाइट और 1 फिट विथ है इसकी। और इसमें भी फिल्टर में टॉप फिल्टर यूज़ करता हूँ, जो कि हैंग ऑन फिल्टर बोलते हैं, उसके हैंग ऑन फिल्टर भी बोलते हैं, तो इसमें हैंग ऑन फिल्टर और 1 फिट क्यूब वाले में भी हैंग ऑन फिल्टर ही यूज़ कर रहा था मैं। ये रही बेटा फिश जिसकी एडिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली है चैनल पर। ये रहा टैंक नंबर 5 जिसमें कि स्नीगल और नाइफ है, तो इनको भी जैसे ग्रो होंगे वैसे इनको पॉइंट में शिफ्ट करना है सारे मॉन्स्टर्स के साथ, तो उसकी भी वीडियो आएगी आगे जाके चैनल पे, तो आप देख सकते हैं अभी एकदम जिम्नल स्टेज, एकदम बेबी साइज पे हैं सारे। और इस वाले टैंक में मैं और भी मॉन्स्टर्स ऐड करने वाला हूँ जिसको मैं ग्रो करूँगा पॉइंट के लिए, तो उसकी भी वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत ज़्यादा जल्दी चैनल पर, तो उसके देखने के लिए स्टे ट्यून्ड जरूर रहना।
और इसमें अभी मैं जो फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनल फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ एक छोटा सा सोबो कंपनी का, देख सकते हैं आप ये वाला फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा नीड है नहीं अभी, क्योंकि सिर्फ 3 फिशेज हैं, वो भी जुवेनाइल स्टेज पे हैं अभी सब। ये रहा नंबर टैंक नंबर 6, जिसमें है मेरी क्रेफिश। तो आप देख सकते हैं रेड कलर की क्रेफिश है ये, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है साइज़ में, मैं बहुत ज़्यादा छोटा लेके आया था इसको, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और अच्छा हेल्दी है, बढ़िया है। और उसके लिए भी एक अलग सेटअप आने वाला है चैनल पर, तो उसके लिए देखने के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। ये वाला जो शॉट है, ये वाला जो शॉट है वीडियो का, ये अराउंड 2 से 3 मंथ पहले का शॉट है, तो अभी आप सोच सकते हैं कि और कितना बड़ा हो गया होगा ये। ये रहा टैंक नंबर 7, जो कि है मेरा हॉस्पिटल टैंक, जिसमें अभी मैं ऑस्कर को ट्रीट कर रहा हूँ, उसकी आई में प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी बहुत, तो उसकी वीडियो आएगी चैनल पे जल्दी। अभी मेरे पास जितने भी टैंक्स हैं वो सब अलग अलग कमरे में रखे हुए हैं, टोटल अराउंड 4-5 कमरे में रखे हुए हैं सारे टैंक्स मिला के। तो ये सब अलग अलग, मतलब कुछ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है, और कहीं पे सिंगल है, 2 है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे रखे हैं ढेर सारे टैंक। लेकिन इन सबको एक रूम में करने वाले हैं बहुत ज्यादा जल्दी, क्योंकि एक्वेरियम गैलरी ऑलरेडी बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही वो बिल्ड होती है तो उसमें सारे सेटअप्स एक जगह पर सेटअप करेंगे, और कुछ न्यू सेटअप्स भी लेके आएंगे। वो उन सबको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसी एक्वेरियम गैलरी में ही अपना पॉन्ड भी स्टार्ट करेंगे, जो अपने 4000 लीटर्स का 1000 गैलन का पॉन्ड बनाया था, मॉन्स्टर पॉन्ड, उन सब में मॉन्स्टर्स वगैरह को शिफ्ट करना है। तो उन सबकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है, उन सबको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी थोड़ी स्पेस का इशू है, इसलिए सबको यहाँ वहाँ रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे एक प्लांटेड, फिर दूसरा प्लांटेड, वहाँ मॉन्स्टर, नीचे हॉस्पिटल टैंक रखा हुआ है, वहाँ पे मेरा क्रैब है, और ये थोड़ी दवाई वगैरह रखी हुई है, और इन दवाई वगैरह के भी रिव्यू आने वाला है बहुत जल्दी इस वाले चैनल पे, तो उसको भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे रूम में, और आपको और टैंक दिखाते हैं, जो कि मेरा एरवाना का टैंक था, जिसमें अभी गुचाइट गुरामीज वगैरह है, और दूसरे जिसमें ऑस्कर्स वगैरह है, पैरेट वगैरह है, तो वो भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे रूम में, इसमें सारे ये प्लांटेड वगैरह का सेटअप थे सारे, और ये मेरे मॉन्स्टर्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरे रूम की ओर। तो ये हम लोग आ गए हैं दूसरे रूम में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं टीवी पे मेरा चैनल लगा हुआ है, उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, एक्यूरिस्ट वर्ल्ड, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी। और यहाँ पे 2 टैंक रखे हुए हैं, एक सबसे पहले ये नीचे रखा हुआ है 6 फीट का, जिसमें पहले एरवाना थी, अभी इसमें जाइंट गुरामीज, पापू, ग्रीन डेरर और ऑस्कर है, एक ऑस्कर है सिर्फ, और एक पीछे रखा है मेरे पीछे, देख सकते हैं, जिसमें मैंने चद्दर डाल के रखा हुआ है, ये वाला मतलब, ये इसमें भी कुछ ऐसा हुआ है कि जो मैंने अभी इस वाले चैनल पे रिवील नहीं किया है, अभी आपको कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने इसका कोई अपडेट वगैरह नहीं डाला है अभी, तो इसलिए मैंने इसमें चद्दर डाल के रखा हुआ है। ये वाला टैंक आपको इस वाली वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ प्रेजेंट सिचुएशन का, इसकी जो पहले सिचुएशन थी वो वाला मैं जरूर दिखाऊंगा इस वाली वीडियो में, इसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन पहले वाली सिचुएशन का, जो करंट सिचुएशन है उसका इंक्लूड नहीं करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, इसलिए मैंने इसको छुपा के रखा है आप लोगों से। कुछ बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हुई है जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं अभी, वैसे रिवील नहीं करते हैं। वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं उसकी वीडियो वगैरह बनाऊंगा। कुछ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट टाइप हुआ है, तो आप गैस कर सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपका गैस मैं बता दूंगा कि ठीक है कि नहीं, तो वो सब आप देखिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बढ़ते हैं इन दोनों टैंक की ओर, और उनका क्लोज लुक देते हैं आपको, दिखाते हैं कि साइज वगैरह कैसा हो गया है फिशेस का। चलिए भी आपको बैठ के दिखा देते हैं, तो आप देख सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत दिख रहे होंगे, ये मैं ये एक्चुअली फोन से शूट कर रहा हूँ, तो उतना ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा है सब कुछ, अभी मैं आपको कैमरे का पूरा रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, तो इसमें तब भी थोड़ा आपको साइज का समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसकी क्लोज लुक की साइड, और आपको सब कुछ दिखाते हैं अच्छे से। तो ये रहा टैंक नंबर 8, जिसमें मेरी एरवाना थी पहले, पहले ये इस तरीके का था कुछ, लेकिन अभी इसमें मैंने सारी फिशेज बदल दी हैं, क्योंकि एरवाना की डेथ हो गई थी।
मैंने आपको पूरा उसका बताया कि कैसे डेथ हुई थी, क्या हुआ था, सब कुछ मैंने अलग से वीडियो बताया है उसको, मैंने अच्छे तरीके से गाड़ा था ज़मीन में। तो ये था, तो अभी आपको दिखाते हैं इसको टैंक नंबर 8 में भी कौन कौन सी फिशेज हैं, उनका क्या क्या साइज है। और इस वाले टैंक का जो साइज़ है वो 6 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट है, और इसमें ऑस्कर, ग्रीन टेरर, पाकू, जाइंट गुरामी एंड प्लेको, ये सारी फिशेज़ हैं इसमें। और ये सारी फिशेज़ अभी अपने मिडिल स्टेज पे हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं। इनको मैं बहुत ज़्यादा जुवेनाइल स्टेज पे लाया था, मैंने आपको उसकी वीडियो दिखाई थी जब मैं इनको लाया था, इनकी अनबॉक्सिंग वगैरह की, और तब आपने देखा था इनका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन अभी इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गई है, लेकिन अभी भी इनको थोड़ा टाइम है उस पॉइंट में ऐड करने के लिए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भी बड़ी नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी इस टैंक के अकॉर्डिंग, तब मैं उस पॉइंट को जैसे ही स्टार्ट करूँगा वैसे ही सब सारे मॉन्स्टर्स उसमें ऐड करूँगा। और आगे जाके जब ये वाला टैंक मेरा एम्प्टी हो जाएगा, तो या तो फिर इस टैंक को मैं एक सम फिल्टर बनाऊंगा, एक बहुत बड़े टैंक का जो मैं प्लान कर रहा हूँ बनाने के लिए, या तो फिर इस टैंक को यहीं पर रखा रहने देंगे और एक अलग सम फिल्टर बनाएंगे उस वाले टैंक के लिए, और इसमें अफ्रीकन सिकलेट्स वगैरह का, मालवी सिकलेट्स, ये सब जो होती हैं इनका पूरा एक अच्छा सा सेटअप करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग सा उनको पर्टिकुलर हाइडिंग स्पेस देंगे सारी फिशेस को, बहुत ज़्यादा इसमें अफ्रीकन सिकलेट्स ऐड करेंगे, अच्छी फिल्ट्रेशन है क्योंकि अब तो इसमें सम फिल्टर लग गया है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में दिखाया है कि मैंने इसमें सम फिल्टर लगा दिया वन होल मेथड के थ्रू। ये रहा टैंक नंबर 9, लेकिन इसकी जो क्लिप है मैं आपको पुरानी दिखा रहा हूँ, जो न्यू क्लिप है वो भी मैंने नहीं दिखाई है, थोड़ी सी डाली है एंड में, कुछ हुआ है इस टैंक के साथ तो वो भी मैंने रिवील नहीं किया है चैनल पे ना ही इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए मैंने वो न्यू क्लिप नहीं डाली, इसलिए मैं आपको पुरानी क्लिप दिखा रहा हूँ पूरी। और ये मेरी दो कॉपर ऑस्कर्स हैं, इसमें एल्बाइनो ऑस्कर है, पैरेट है, रेड टेल शार्क है, शिवराम है, ग्रीन शिवराम, और प्लेको है, एल्बाइनो प्लेको। लेकिन ये जो ऑस्कर्स हैं सच में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है मेरी, और आपको अपडेट देंगे। तो जो हुआ है इस टैंक के साथ वो उसमें ऐसा क्या हुआ है तो उसको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बेल आइकन दबा देना तो आप देख सकते हैं वाली वीडियो फिर। और इस वाले टैंक का साइज 4 फिट बाय 1.5 फिट बाय 2 फिट है, 4 फिट लेंथ, 1.5 फिट विड्थ और 2 फिट हाइट।
और ये 4 फीट और 6 फीट वाले दोनों में ही मैं सम फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ अलग अलग, एक मैं वन होल मेथड से यूज़ कर रहा हूँ, एक मैं ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व से के मेथड्स के थ्रू रन कर रहा हूँ। मैं आपको दोनों ही मेथड की वीडियोस बना के दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो अगर आप होल नहीं कर सकते अपने एक्यूरम में तो आप इन दोनों मेथड से भी अपना सम को ईजिली इफिशेंटली रन कर सकते हैं। तो इन दोनों टैंक का क्लोज लुक देखने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं और एक्यूरियम्स मेरे, और एक ऐसे एक्यूरियम के पास ले चलते हैं अभी मेरे आपके आपको, जो कि मैंने इस वाले चैनल पर बहुत कम दिखाया है, शायद एक ही बार दिखाया है, जो कि मेरी फ्लावर होन की वीडियो थी, फ्लावर होन को कैसे आप ग्रूम वगैरह कर सकते हैं उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, उसकी केयरिंग वगैरह के ऊपर, तभी मैंने वाला टैंक दिखाया था क्योंकि उसमें मेरे पास फ्लावर होन थी उस टाइम पे। लेकिन उस फ्लावर होन को मैंने कुछ कारणवश हटा दिया था, उसको मैंने शॉपकीपर्स को दे दिया था और उनसे बोल दिया था कि आप उसकी केयर करें, और फिर मैंने उसमें कुछ और फिशेस डाल ली थोड़े टाइम बाद, लेकिन मैंने उनकी वीडियो इस वाले चैनल पर नहीं दिखाई, ना ही आपको इंस्टाग्राम वगैरह पर अपडेट दिया है। तो चलिए चलते हैं उस वाले टैंक की तरफ, आपको दिखाते हैं उनमें कौन सी फिशेस हैं और कैसा सेटअप है, कौन सी फिल्ट्रेशन वगैरह है। तो चलिए चलते हैं उस वाले रूम में। तो ये रहा टैंक नंबर 10 और आ चुके हैं दूसरे रूम में, लेकिन ये वाली जो शूट है, ये जो वीडियो है, ये पुरानी वीडियो है, ऐसा था पहले ये टैंक जिसमें फ्लावर ऑन थी, लेकिन अब कैसा है चलिए आपको दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं रूम में और ये रही प्रेजेंट सिचुएशन इस वाले टैंक की, इसमें 4 ब्लड रेड पैरेट्स हैं, इंडियन पैरेट्स, और 2 फायर ऑस्कर्स हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं सबके साइज़ अच्छे हैं अभी, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, एवरेज साइज़ पे हैं अभी सारी फिशेस, कोई भी एकदम एडल्ट स्टेज पर नहीं पहुँचा है अभी, क्योंकि इनको ऐड करे हुए अभी मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और इसमें भी मैं सम फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो टैंक साइज़ है वो 3 फिट बाय 1.5 फिट बाय 2 फिट है, 2 फिट हाइट, 3 फिट लेंथ और 1.5 फिट विथ है इसकी। और इसमें भी मैं जो सम फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ वो वन होल मेथड से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी मैं सम फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ वन होल मेथड के थ्रू, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, और सच में बहुत ज़्यादा इफिशियंटली वर्क कर रहे हैं सारे सम जितने भी मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, टॉप सम, बॉटम सम, सेम लेवल सम, सारे सम बहुत ज़्यादा अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं रूफ पे, जहां पे अपना पॉन्ड रखा हुआ है 1000 गैलन का। तो आप देख सकते हैं पूरा, तो देख सकते हैं पूरा एकदम कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। और अभी जिस रूम में मैं हूँ यही अपनी एक्वेरियम गैलरी है, तो अभी सिर्फ दीवार वगैरह खड़ी हुई है, अभी यहाँ पे लाइट की फिटिंग और प्लस्तर वगैरह होके, पीओपी वगैरह होके, इंट होना है, फर्श होना है, टाइल्स वगैरह लगने हैं। तो ये स्टेटस था पूरे एक्वेरियम गैलरी का। और यहीं पर ये रखा हुआ है पॉन्ड 1000 गैलन का, तो भाई बहुत लोग मुझसे डिसअपॉइंटेड थे कि मैं क्यों पॉइंट की अपडेट नहीं ला रहा था, इसमें क्यों फिशेज ऐड नहीं कर रहा था। तो भाई आप ही लोग बताइए कि मैं इस कंडीशन में इसको कैसे स्टार्ट कर दूं। स्टार्ट कर भी देंगे तो उसमें लीकेजेज होने की, फिश मरने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, इसलिए इसको स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो यही अभी एक्वेरियम गैलरी का अपडेट पूरा लगभग पड़ा है, वैसे अभी जो दीवारें होती है वो कम्प्लीट हुई है पूरी, देख सकते हैं ये पीछे पॉइंट रखा हुआ है, तो इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, आप रेगुलर वीडियोस आपके अपडेट नहीं ला रहे हो पॉन्ड के, तो कैसे ला सकते हैं इस सिचुएशन में। तो अगर मेरे हिसाब से आप भी होते तो आप भी नहीं ला पाते, बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे। तो यही था अपडेट पॉन्ड और एक्वेरियम गैलरी का। आ गए हैं दूसरे रूम में, तो ये है एक और टैंक और ये प्लांटेड टैंक है, और ये पहले की सिचुएशन है इसकी, पहले कुछ ऐसा था, और भी मैं आपको प्रेजेंट में दिखाता हूँ कि प्रेजेंट में कैसा है। इसमें गप्पी का कलेक्शन है, श्रिम्प्स हैं और न्यून टेट्रा है। तो ये रही इसकी प्रेजेंट सिचुएशन, मैंने कुछ ड्रिफ्ट वगैरह लगा के ट्रिमिंग वगैरह करके इसको थोड़ा कुछ ऐसा लुक दे दिया है,
और ये टैंक नंबर 12 है अपना, 12वें नंबर का टैंक है, और ये भी एक अलग रूम में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें नियॉन टेट्रास, गप्पीस और भी बहुत सारी फिशेज हैं, चेरी बार वगैरह भी हैं इसमें, और श्रिम्प्स भी हैं, फायर श्रिम्प एंड रेड श्रिम्प। और इसमें भी मैं जो फिल्टरेशन यूज़ कर रहा हूँ वो मैं हैंग ऑन फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट है वो है 1.5 फीट बाय 10 इंचेस बाय 10 इंचेस। देख सकते हैं आप श्रिम्प्स हैं इसमें, ये रेड श्रिम्प है, और उसी के साइड में आप देख सकते हैं येलो श्रिम्प भी है। अब आ गए हम लोग दूसरे रूम में एक और, तो ये है टैंक नंबर 13 अपना, और इसमें मैंने कारपेट ग्रो करी हुई है, और इसकी भी मैंने पूरी बिल्ड, इसको बनाने की पूरी वीडियो दिखाई थी आपको चैनल पे अंडर ₹135 आप कैसे कारपेट ग्रो कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में। तो वही वाला टैंक है ये, और इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं इसकी कारपेट, कोई भी मेल्टोगेशन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह दे रहा हूँ इसमें, सब कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह भी दे रहा हूँ प्रॉपरली, प्रॉपर टाइम पे वाटर चेंजेस भी कर रहा हूँ। तो इसकी जो हेल्थ वगैरह है बहुत ज़्यादा अच्छी है इस वाले टैंक की। तो आप देख सकते हैं ये अपना टैंक नंबर 13 है, और इसका जो जो लेंथ हाइट और विथ है वो भी 1 फिट बाय 1.5 फिट है, 1 फिट लेंथ, 1 फिट विथ और 1.5 फिट हाइट है। सेम साइज़ है जो कि मेरा एक और प्लांटेड टैंक है जिसमें मैंने कारपेट ग्रो की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई थी जिसमें ट्रिमिंग वगैरह करनी है। तो इन सब पे भी आगे वीडियोज़ आएंगी अलग अलग टॉपिक्स पे, तो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। तो अब आ गए हैं दूसरे रूम में, तो ये टैंक नंबर 14 है, और ये पहले की शूट है, पहले का वीडियो है ये, इसमें तब प्लेटिस थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है उसमें मैंने ये सारी प्लेटिस वगैरह सब कुछ हटा दी हैं। और बहुत लोग के कमेंट आए थे पिछली बार मेरे पास के प्लेटिस इसको निप करती होंगी, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शनल था मेरे साथ ही, मैं मुझे भी नहीं पता कैसे, लेकिन मेरी गोल्ड फिश इसको वो निप नहीं कर रही थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी, लेकिन मैंने तब भी हटा दिया था सारी प्लेटिस को इस वाले टैंक से। तो अभी ये सब सिर्फ और सिर्फ इसमें गोल्ड फिशेज़ हैं, 2 गोल्ड फिश हैं और 2 कार्प्स हैं इस पर। तो यही थे आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एक्वेरियम वर्ल्ड के थ्रू मिले। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि बताया हर एक एक्वेरियम से रिलेटेड कौन कौन सी वीडियोज आने वाली हैं आगे, तो उन सबको अगर आपको देखना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फ्रेंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करिए, वहाँ पर मेरे 2 पेजेस हैं, एक्वेरियस्ट वर्ल्ड एक प्रवेश चौरसिया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।